यार दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, मेरे साथ जो स्कैम हुआ ना, वो आपको बता दूंगा तो आप मानोगे ही नहीं। मतलब ये स्कैम ऐसा था ना कि अगर इसके सामने मैं एंजल प्रिया की आईडी पे 500 रुपये का हर महीना रिचार्ज मारूँ ना, तो वो स्कैम मेरे को परवड़ जाएगा। ये स्कैम ऐसा था कि मानो जमीन वॉज स्लिप्ड अंडर फ्रॉम माई लेग। यार अभी अभी मैं ब्लडी डैडी देख कर आ रहा हूँ जियो सिनेमा पे, वो भी फ्री में, स्टेरिंग शाहिद कपूर, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास डफर सॉरी जफर। यार मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इस फिल्म को जब बनाने का ये लोग सोचे थे ना, तो ये लोग सोचे थे कि हम इसको हॉलीवुड स्टैंडर्ड देंगे, वैसा बनाएंगे कुछ। इनफैक्ट फिल्म का कलर ग्रेडिंग आप देख लोगे ना, तो फिल्म के अंदर दिखाया गया गुरुग्राम भी आपको जॉर्ज टाउन लगेगा। अगर आप लोग इस फिल्म का टीजर ट्रेलर देख लोगे, तो आप लोग ये अज्यूम करोगे कि काश ये फिल्म थिएटर में आती ना, तो इसके एक्शन को हम धमाकेदार एक्सपीरियंस किए रहते थे। लेकिन एक सेकंड रुको, बताता हूँ मैं। अगर मैं ब्लडी डैडी इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूँ, तो इतना ही कहूंगा कि ब्लडी डैडी इज अ कंप्लीट एक्शन फिल्म विदाउट एनी एक्शन सीन। ये इतना बड़ा घोटाला है कि फिल्म का जितना भी बेस्ट पार्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ टीजर ट्रेलर ही था, बाकी सबका सब स्कैम था। सोचो, इसलिए ये फिल्म ओटीटी पे आई। एंड अगर ये फिल्म थिएटर में आती ना और एक घंटे से ज्यादा चलती ना, मैं अपनी गर्दन काटने तैयार हो गया होता था, लिख के दरों में गर्दन काट दिया होता था। अब इसकी कहानी की बात करें तो डायरेक्टर जो है इसके अली अब्बास जफर, उन्होंने ऑडियंस को लिटरली डफर समझा। एंड मैं एक चीज़ मैं आपको खुल के बताता हूँ कि अगर अली अब्बास जफर को आप पकड़ भी लोगे एंड उनको बोलोगे कि भाई तू अपने दिल पे हाथ रख और सच बोल कि ये फिल्म तूने क्यों किया, वो खुद बोल देंगे कि भाई साहब ये फिल्म मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को खुद को फिल्म बनाना सीखना था। तो अंबानी भाई साहब ने बोला, हाँ जब फूक ले मेरा पैसा बस। क्योंकि फिल्म की कहानी में इतना ज्यादा एक्शन है, एक घंटा 20 मिनट तक आप सिर्फ एक ही चीज देखोगे, वो है शाहिद कपूर ब्लेजर पहन के बस घूम रहा है। कैसे घूम रहा है देखो, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, बोला ना मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटा। अरे भाई बेटा छोड़ो, बाप भी घूम जाएगा ऐसा तुम कर रहे हो। पूरे के पूरे फिल्म में बस वो रोटेट ही कर रहा है। एंड भाई साहब डायरेक्टर साहब को एक घंटे 20 मिनट बाद याद आता है कि भाई साहब ये तो एक्शन फिल्म है, चलो मैं अब जॉन विक के नाम पे गोरखपुर का जॉन विक दिखाता हूं। एंड भाई साहब पूरे फिल्म को देखकर अगर आपके मन में अंदर कुछ भी ऐसा जॉन विक टाइप वाइब भी आया ना, अरे जॉन विक छोड़ो, जॉनी सिंस का भी वाइब आज आ गया ना, तो भाई साहब ये फिल्म को 4 चांद दे दूं या 4 स्टार दे दूं मैं। देखो ऐसा भी नहीं कि पूरे फिल्म में कुछ अच्छा नहीं होगा, एक चीज अच्छा है। पूरे फिल्म में आप देखोगे कि शाहिद कपूर का इतना लंबा बाल है एंड आप डरोगे उस सीन को देख के कि उसका बाल कहीं आंख में फंस ना जाए या फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, ये देख के आपको लगेगा कि यस कुछ तो सस्पेंस या कुछ तो थ्रिल देखने मिल रहा है। बाकी के परफॉर्मेंस में बात किया जाए तो संजय कपूर के लिए एक्टिंग तो कोविड है, फिर बाद में रोनित रॉय भी मतलब फालतूगिरी करने में मदद कर रहे हैं। एंड एक सबसे गंभीर कैरेक्टर है वो है डायना पेंटी का। डायना पेंटी को इतना स्टूपिड दिखाया फिल्म में, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कहीं पे भी जा रही है, चल उधर जा उधर जा, अरे मतलब कोई गिनती ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इस फिल्म की जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। वो उसको ढूंढना पड़ेगा, इतना बड़ा सस्पेंस है। एंड जब ढूंढ के मिल जाता है, वो एक्शन सीन्स ऐसे थे कि मानो लड़ वो रहे हैं, घाव हमें लग रहा है। इनफैक्ट फिल्म के अंदर शाहिद कपूर को मार मार के इतने बार बेहोश कर दिया है, लेकिन शाहिद कपूर मानो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, चार्ज हो जा रहा है भाई, चार्ज हो जा रहा है। अरे भाई साहब, मतलब तुमको मरना भी नहीं है, मारना भी नहीं है ढंग का। तो इस फिल्म को देखने के बाद कुल मिला के तो यही कहूंगा कि एक कहावत सामने आती है कि भाई फिल्म ऐसी बनाओ कि चार लोग देखते रहे और बस चार ही लोग देखते रहे इसकी माँ का। ओवरऑल ब्लडी डैडी इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मैं भाई साहब बता रहा हूं ना कि आप लोग मतलब एक बार तो देख ही सकते हैं अगर आप अपने आगे के जीवन में अपने करियर को नहीं देख रहे तो। एंड भाई मेरा काम है मदद करना। देखो यार, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ भला करने के लिए, वो अलग बात है, खुद गांड मरा लेता हूँ सॉरी, लेकिन मैं फिल्म को दूंगा 1 स्टार। बाकी यार एक बार देख के आप लोग शाहिद के फैन है तो एंजॉय कर सकते हो, बाकी तो आउटडेटेड है। ओवरऑल मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो में जरा भी मजा आ रहा है। बाय।